कोई व्यक्ति नॉनवेज खाएगा और फिर मेडिटेशन करने के लिए बैठेगा वो मेडिटेशन नहीं कर पाएगा उसको डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो जाएंगे अब आप मैं आपको सिंपल कंपैरिजन देता हूँ कोई व्यक्ति मंचूरियन खा के या पिज्जा खा के मेडिटेशन करता है और एक व्यक्ति सामान्य रोटी शाक दावल खा के मेडिटेशन करता है तो दोनों के अंदर जो रोटी चावल खा के जो मेडिटेशन करता है हिज लेवल्स ऑफ मेडिटेशन वुड बी मच मोर हायर कम्पेयर टू हु मंचूरियन और एनी योर फूड तो ये आहार का इतना प्रभाव होता है इसलिए ग्रंथ में कहा गया है कि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि है सत्व शुद्ध ध्रुआ स्मृति यूएस में नाइन्टी परसेंट ऑफ द पीपल आर स्ट्रेस्ड रिसर्च इंडिकेट्स हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी स्ट्रेस डिप्रेशन की मात्रा बहुत बढ़ रही है इसका अमोघ उपाय तो एक ही है भगवान की शरणागति भगवान का नाम स्मरण करना ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके जरिए आपका चाहे कितने भी स्ट्रेस हो कितने भी डिप्रेशन हो वो सब चला जाएगा हम इंसानों की एक कमज़ोरी होती है कि हम भगवान पर विश्वास नहीं रख सकते और भगवान की एक कमज़ोरी ये होती है कि वो कभी भी किसी का विश्वासघात नहीं कर सकते हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड आज बहुत ही खास व्यक्ति हमारे बीच मौजूद है न्यूरो साइंस में शिकागो से पढ़ाई करने के बाद मोंकुड इन्होंने चूज किया प्लीज़ वेलकम अखंड स्वामी जी ऑन आवर शो प्रणाम योगेंद्र जी थैंक यू फॉर योर एमएबल एंड एमिकेबल फ्री एम्बल माई हम्बल ग्रीटिंग्स टू यू एंड लैक्स ऑफ यूअर्स It is a magnanimous delectation being here and looking forward for the confabulation. So, Swami Ji, how it started? Neuroscience ki padhai aur wahan se ek complete, I think त्यागी सन्यासी जिसे कहते हैं, वो रास्ता आपने कैसे चुना? कब आपको लगा कि आपको इस दिशा में जाने? देखिए, Yogendra Ji, before answering that question, I would like to succinctly delineate about my personality. नॉर्मली टाइप ए और टाइप बी दो किस्म की पर्सनैलिटीज होती है तो पीपल विद टाइप ए पर्सनैलिटी दे आर मोर एस्पायरिंग दे आर मोर एम्बिशियस दे आर मोर डिलीजेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंटली ऑफ ऑल दे आर मोर रिजल्ट ऑरिएटेड दिस आर बेनिफिट्स असोसिएट विद टाइप ए पर्सनैलिटी टाइप ए पर्सनैलिटी की नेगेटिव साइड एंटागोनिस्टिक साइड ये है कि समटाइम्स दे कुड गेट मोर एग्रेसिव समटाइम्स दे कुड गेट मोर इम्पेश And they could get more stressed out. Type B jo personality hai, the benefits associated with type B personality is they are more friendly, fun loving, and a good dreamer. But the negative side associated with type B personality is that sometimes they could get self indulgent, they could get lazy, sometimes they tend to procrastinate. So it's like, i so our personality when we were in college to so hamari Type A personality. Was. So, you know, I was always that type of guy that I want A's in all my exams. So I was willing to put any hard work, any diligence that I need to, to get A in all my exams. But the negative side of my personality was I would get stressed out if I got B in any of my exams. तो ऐसे कई दिन हमने बिताए कि मान लीजिए कि किसी एग्जाम में हमारा बी ग्रेड आ गया तो हम रात को सोते वक्त कंबल ओढ़ कर सो जाते थे और पूरी रात पूरी रात आई आई यूश टू क्राई कि ये बी कैसे आ गया आई वॉज ट्राइंग टू गेट ई एंड हाउ डिड आई गेट बी तो आई यूश टू गेट स्ट्रेस्ड आउट तो दिस वॉज द नेगेटिव साइड ऑफ माई पर्सनैलिटी लेकिन जो पॉजिटिव साइड थी कि बी आई वॉन्ट मोर रिजल्ट ऑरिएटेड नेचर तो वेन आई वॉज इन कॉलेज यू नो वन क्वेश्चन परपेचुअली हाउंटेड मी वॉट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ यू नो दिस क्वेश्चन यूज टू एग्जासपरेट मी अल लॉट कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है तो हमने बहुत ही उहापो किया और बाद में हमें ये मालूम पड़ा कि जिंदगी का हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि टू एक्सपीरियंस एंड टू एक्सपायर फॉर दी कार्डिनल लेवल ऑफ हैपीनेस इस दुनिया में जो भी श्रेष्ठ आनंद है उसकी अनुभूति करना वो मेरी जिंदगी का मकसद तो फिर मैंने ये रिसर्च शुरू कर दिया कि एम आई एक्सपीरियंसिंग दैट हैप्पीनेस राइट नाउ तो फिर रिसर्च करके मुझे ये मालूम पड़ा कि इनडिस्प्यूटेबली नो आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग दैट हैप्पीनेस राइट नाउ तो फिर हमने हमारे जीवन पर आत्मनिरीक्षण शुरू कर दिया जैसे कि हमारी जो फैमिली थी आई केम फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली फैमिली व सोशली ग्रेगेरियसली एंड फाइनेंशियली वेल सेट यू नो मदर लव मी फादर सपोर्टेड मी ब्रदर पैट्रनाइज मी तो परिवार की ओर से बहुत प्रेम था वट एवर एस्पिरीशंस आई हैड यू नो फैमिली मेम्बर्स यूज टू फिनिश देट ऑफ फिर भी मुझे अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती थी ऐसे इफ आई एम मिसिंग समथिंग इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ वो जो खालीपन था जो इकापन था यू नो एस इफ आई एम ऑफ समथिंग सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ तो फिर हमने हमारे इर्द गिर्द में जो भी लोग थे उनके जीवन पर बारीकी से रिसर्च करना शुरू कर दिया तो जब हम शिकागो में थे तो हमारे परिचय में ऐसे बहुत से लोग थे जो हु केम फ्रॉम ए मल्ट एमर फैमिली वो एक्सट्रीमली लेविश तो उनके जीवन में आपने जाँगना शुरू कर दिया तो उनको हमने कई लोगों को पूछा कि डू यू फील हैप्पी अबाउट योर लाइफ आर यू सैटिस्फाइड विथ योर लाइफ तो एक बंदे को हमने पूछा यू एस मल्टी मिलीनरस इन शिकागो तो उन्होंने कहा कि आई एम स्टिल एस्पायरिंग फॉर मोर मनी अभी भी मुझे आनंद की अनुभूति नहीं हुई तो ऐसे कई लोगों को मैंने पूछा उन्होंने कहा कि आनंद की फीलिंग नहीं आती तो मैंने ये ठान लिया कि महज पैसे कमाने से आनंद नहीं मिलता आपको तो फिर हमने ऐसे हमारे यूनिवर्सिटी में ऐसे जो क्लासमेट्स थे जिनके पास गर्लफ्रेंड था बॉयफ्रेंड था तो उनके जीवन में हमने कंटेम्परेट करना शुरू किया हमने हमारी ऐसे कई फ्रेंड्स थे उनको पूछा कि आपके जीवन में बॉयफ्रेंड है तो आर यू फीलिंग हैप्पी अबाउट दम जिनके जीवन में गर्लफ्रेंड था उनको पूछा कि आर यू सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ तो उन्होंने कहा कि वी आर स्टिल मिसिंग समथिंग इन मोस्ट ऑफ द पीपल दिस बिकॉज दे वर एंटेंगल्ड फ्रॉम पैचअप टू ब्रेकअप ब्रेकअप टू पैचअप फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन टू अट्रैक्शन फ्रॉम अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन तो हमें यह मालूम पड़ा कि भैया आपका सेक्स लाइफ चाहे कितना भी अच्छा हो यूर नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस अल्टीमेट लेवल ऑफ हैप्पीनेस फिर हमने शिकागो में ऐसे कई लोगों पर अभ्यास किया वू आर वेरी प्रेस्टिजियस एंड इलस्ट्रियस इन द सोसाइटी पीपल लीड ऑन दम फॉर दर एस्पिशंस टू कम ट्रू पीपल लीड ऑन दम इफ दे हैड एनी प्रॉब्लम्स इन दर लाइफ लेकिन उनके जीवन में जब प्रॉब्लम आते थे तो दे डिड नॉट हैव एनी वन टू अनस्क्रैम्बल देयर ओन प्रॉब्लम्स उनके जीवन में जब किल्लतें या दिक्कतें आती थी तो उनके पास ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उनको उस समस्याओं से बाहर निकाल सके तो हमने ये रिसर्च किया कि पैसे में भी इतना सुख नहीं है सेक्स लाइफ में भी इतना सुख नहीं है प्रेस्टीज पावर फेम में भी इतना सुख नहीं है तो वाई वाई इज इट दैट मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस कैन नॉट गिव यू परपेचुअल हैप्पीनेस फिर हमें ये मालूम पड़ा कि ये सब जितने भी मटेरियलिस्टिक सुख है इन चीज़ों के अंदर तीन चीज़ें नहीं होती पहला है शाश्वतता आप चाहे कोई भी सुख देख लेंगे फॉर एग्जाम्पल हम और आप यहाँ पर बैठे हैं हंड्रेड ईयर्स बिफोर was वॉज एनी वन sitting इन here? No. Absolutely नॉट हंड्रेड ईयर्स फ्रॉम नाव वुड एनी वन us be sitting here? No. Absolutely नॉट हमारे पास चाहे पद हो प्रतिष्ठा हो पावर पोजिशन फेम हो खूबसूरत किसी के पास बीबी हो इट इज गोइंग टू लास्ट मैक्सिमम फॉर एटी टू नाइनटी ईयर्स आफ्टर दैट कुछ नहीं होगा सो आई डिसाइडेड ऑल द हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड ऑल द मटीरियलिस्टिकस इन दिस वर्ल्ड आर वेरी टेम्परामेंटल ट्रांजियंट इफेमरल एवनेसेंट फ्यूगेशियस एंड वेरी फ्लिटिंग देर नाट गोइंग टू लेस दैट सो दूसरी चीज हमने जो देखी है जितने भी मटेरियलिस्टिक शोक है नन ऑफ दिस हैपीनेस आर फियर लेस जैसे आप देख लीजिए पावर पोजिशन एंड पोस्ट तो जिसके पास आज पावर होगा आज से दस साल बाद शायद उसके पास नहीं होगा और वही खौफ उसको सताता होगा जैसे आज भी एक सीएम है मुख्यमंत्री एक स्टेट के वो हमारे बहुत करीब के मित्र हैं जी तो कुछ दिन पहले ही हमारी उनसे फ़ोन पर बात हुई थी तो वो बता रहे थे हमें कुछ चर्चाएं हो रही थी तो वो हमें बता रहे थे कि स्वामी जी आई एम स्टिल नॉट एक्सपीरियंसिंग अल्टीमेट लेवल ऑफ हैप्पीनेस मैंने पूछा क्यों तो उन्होंने हमें बहुत ही निखालस रहे से बताया स्वामी जी आज हम सीएम की पदवी पर है आज से पाँच साल दस साल के बाद हम नहीं भी हो सकते तो ये खौफ हमें सताता है कि जिस दिन हम सत्ता में नहीं होंगे उस दृश्य को हम देख नहीं सकते बहुत ही निखालस हृदय से बोल रहे थे तो ये हमने देखा कि पावर पोजीशन पोस्ट का भी हैप्पीनेस परपेचुअल नहीं होता उसको घुमाने का डर होता है खौफ होता है जैसे किसी के पास जैसे ये सेलिब्रिटीज जितने भी होते हैं एक अच्छे सेलिब्रिटीज हमारे मित्र हैं स्टिल इन इज ही स्टिल वेरी यूथ और एक से एक ब्लॉक बस्टर फिल्म देते हैं आज भी तो उनसे हमारी चर्चा हो रही थी वो हमें बता रहे थे कि स्वामी जी यू नो आई ऑलवेज लाइक लुकिंग यंग यू नो आप इट इज़ वेरी आप भी इसके सेलिब्रिटीज़ के बॉडी अट्रैक्टिव होने चाहिए ग्लैमरस होने चाहिए लेकिन उनको भी वो खौफ था कि एक दिन हमें वृद्ध होना पड़ेगा सो द फीवर ऑफ गेटिंग ओल्ड फियर ऑफ गेटिंग डोटा dilapidated. एक दिन तो वृद्ध होना है चाहे आप कितने भी बोटाक्स की इंजेक्शन ले ले जितनी भी कॉस्मेटिक <laughs> थेरेपीज आप ले ले, लेकिन एक दिन तो आपको वृद्ध होना ही है शरीर का जर्जर होना सुनिश्चित है और तीसरी चीज ये कि नन ऑफ द happiness आर फेदम लेस मीनिंग कोई भी सुख असीम नहीं है ओके okay. मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए कि सम वन माइट बी वेरी वॉरिशियस ईटर उसको खाना बहुत पसंद है इज़ वेरी हेल्थी वेरी यंग और उसको समोसा बहुत अच्छे लगते हैं गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं कैन ही कंटिन्यूअसली कीप ऑन ईटिंग समोसा एंड गुलाब जामुन फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स नो नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल राइट आफ्टर टेन टू फिफ्टीन मिनट्स गेट था राइट यिल गेट अब्सेस्ड

जो असीम हो ऑल द हैप्पीनेस इन दिस मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस आर वेरी स्पोडिक दे कम एंड गो कोई भी सुख ऐसा नहीं है कि जो आपको हमेशा आनंद ही देगा आप हर्ष की अनुभूति करेंगे तो आपको शोक की अनुभूति होंगी आप सुख की अनुभूति करेंगे तो आपको दुख की अनुभूति होगी ऑल ऑफ दिस कम इन पेयर्स तो हमने ये ठान लिया कि कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो परपैचुअल हो मीनिंग परमानेंट हो कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो फियरलेस हो और तीसरा कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो असीम हो तो फिर हम ये ढूंढ रहे थे कि कौन सा ऐसा सुख है जिसके अंदर ये तीन चीज़ें आ जाए तो जब हमारा कंटेम्पलेशन चल रहा था उस वक्त हमारे गुरु जी परम पूज्य श्री ज्ञान जीवन दास जी स्वामी वो हिंदुस्तान की सरज़मीन से अमेरिका में आए थे शिकागो में आए थे जब हम शिकागो में थे तब And when I first perceived him, you know, I felt as if something was howling me towards him. His you know, he was blisteringly charismatic, transcendental, endearing, and very loving. When I first saw him, when I first had his darshanam, half of my predicaments, half of my bafflement, doubts, half of them were solved. And then I started listening to his discourses. एंड स्लोली एंड इवेंचुअली ऑल प्रेडिकामेंट्स दैट वीअर गोइंग ऑन इन माई माइंड इन ऑल ऑफ दम वेर अबेट जब पहली मरतबा हमने उनका दीदार किया दर्शन किया शिकागो में तो हम उनके सौम्य व्यक्तित्व से बहुत ही आकर्षित हो गए उनकी मनोस्थिति जो थी उनकी आभा मंडल जो थी उनकी मुखाकृति पर जो चमक थी जो चमचबाहट थी जो आभा थी जो करिश्मा थी जो ब्रह्मचर्य का ज्वाजल्यमान तेज था वो वाकई बेमिसाल था और इसकी वजह से हम बहुत ही आकर्षित हो गए फिर हमने उनके प्रवचन सुनना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हमारे जो ये प्रश्न थे कि ये शाश्वत सुख ये फियरलेस सुख और ये फेदमलेस सुख किसके अंदर होने चाहिए तो हमें ये क्लियर हो जाए हो गया आई वॉज़ वेरी एक्सप्लेसिड कि ये सब सुख भगवान के स्वरूप के अंदर है सो आई एम वेरी इंडेडेड टू हिम हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से हमें यह ज्ञात हुआ कि भगवान में ऐसा सुख है देखिए मैं तो बहुत ही मूर्ख हूँ गवार अनपढ़ बेवकूफ और जो कहते हैं ना दो कौड़ी का भी इंसान नहीं हूँ लेकिन उनकी अनुकंपा से उनकी कृपा से हमें ये सब ज्ञात हुआ इसलिए हम बहुत ही उनके शुक्रगुजार है बहुत ही खुशकिस्मत है और धीरे धीरे हमने उनके प्रवचन सुनना शुरू कर दिया है इसकी वजह से हमें यह ज्ञात हुआ इसलिए मैं बहुत ही बहुत ही उनका ऋणी हूँ एंड आज भी मैं कह सकता हूँ कि उनके अंदर जो महानता है जो सरलता है जो विशालता है जो संतता है साधुता है वो मेरे जैसा इंसान जन्म जन्मांतर तक कोशिश करे फिर भी इसके पॉइंट ज़ीरो जीरो ज़ीरो वन में नहीं आ सकता फिर आई स्टार्ट कंटेम्परेटिंग ऑन वैदिक स्क्रिप्चर्स ओके हमारे जितने भी सनातन स्क्रिप्चर्स हैं जैसे कि श्रीमद भगवद गीता भागवत मुकुंदमालास्त्रोत्र नारद भक्ति स्त्रोत्र वेद उपनिषद शिक्षापत्री वचनामृत भक्त चिंतामणि हरि आई रेड ऑल द स्क्रिप्ट वेरी मेटिकुलसली इनके अंदर जो श्लोक्स आते हैं दे आर स्टिल रिवर्बरेटिंग एंड रेजनेटिंग इन मई माइंड जैसे कि सर्वधर्मान परितज्य मेक शरण व्रज अहम पेभ्यो मोक्षा मह शोच मत्त परतरम नान्यत किमचिदस्ति धनंजय मई सर्विदम प्रोतम सुत्रे मणिगण रसो वै सह तो ये सब श्लोक सुनकर हमारे अंदर जितने भी क्या क्या मीनिंग होगा इसका जी ऑडियंस के लिए जैसे कि सर्वधर्मा परित्यज्य त्यज्य भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य त्यज्य मां में कम शरणम व्रज मने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते सभी धर्मों का तू त्याग कर दे जितने भी सो कॉल्ड धर्म से उनका तो धर्म मने ये नहीं कि हिंदू मुसलमान ऐसे धर्म नहीं गृहस्थी धर्म हो या सन्यासी धर्म हो कोई भी धर्म हो उन सभी धर्मों को तो त्याग दे माँ में कम शरणम रजम मेरी ही एक शरण में आ जा मेरी शरण में नहीं मेरे ही एक की ही शरण में आ जा एक्सक्लूसिवली मी एंड मी अहम त्वा सर्व पापेभ्यो तेरे जितने भी पाप है जितने भी दूषित कर्म है मैं ये उन सभी पापों को नष्ट करके मेरी शरण में ले लूंगा मोक्ष ईशा में मा मैं तुझे मोक्ष दिलाऊंगा तू शोक न कर तो ऐसे हमने बहुत से वेद और उपनिषद के श्लोकों का अध्ययन किया और फिर आई वॉज वेरी एक्सप्लेसिड कि ये सुख भगवान के अंदर ही है। ओके आई वॉज नाउ एक्सप्लेसिड कि भगवान के अंदर ही मान लीजिए अब सुख है नाउ हाउ डू आई ऑपटेन हाउ डू आई रीच टू दैट तो फिर हमने ये कंटेपरेट करना शुरू कर दिया फिर हम हमें यह मालूम पड़ा कि इफ यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैप्पीनेस ऑफ गाड देर आर टू थिंग्स वन इज यू लव गाड अनकंडीशनली भगवान के साथ बिन शर्ती प्रेम कीजिए भगवान का नाम स्मरण कीजिए दूसरी चीज ये सर्व अदर्स वेरी एल्ट्रोइिकली एंड सेल्फलेसली मैंने जितने भी भागवत है उनकी सेवा करिए निस्वार्थ भाव से ये दो चीज हमें मालूम पड़ी भगवत प्राप्ति के लिए तो फिर हमने फिर कंटेम्परेट करना शुरू कर दिया इस दोनों चीज़ों को हम हमारे जीवन में कैसे इंकॉर्परेट करें तो फिर देन आई रियलाइज आप स्पिरिचुअल तभी हो सकते हैं जब आप दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं और आप जब दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो आप स्पिरिचुअल है ही इट इज वाइस वर्स तो हमने ये ठान लिया कि मेरे लिए मॉन्ग खोड बेस्ट ऑप्शन होगा जहाँ पर ये मैं दोनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकूँ बिकॉज मॉन्ग खूड लाइज ऑन द प्रिंसिपल इट लाइज ऑन द बेड रॉक दैट यू सर्व अदर्स एल्ट्रोइिकली ट्रू बिकॉज मॉन्ग खूड आई फाउंड मॉन्ग वे टू बी द बेस्ट वे वेर आई कैन प्लेन्ट इ ट्री अंडर हुई डू नॉट प्लैन टू सीट बिकॉज जितने भी संत लोग हैं उनकी विचारधारा ऐसी होती है कि वो ऐसे वृक्ष के बीच बोलते हैं जिस वृक्ष के नीचे वो नहीं बैठने वाले मने जिसके अंदर पूरी निस्वार्थता है ओके आई फाउंड मॉन्ग खूड टू बी द बेस्ट वे और इसलिए हमने ये मार्ग को चयनित किया और दूसरी चीज़ हमारे जीवन में हमने एक ऐसी चीज़ का दीदार किया इसके अतिरिक्त ये तो हमारा खुद का कंटेम्पलेशन था हमारे खुद के विचार और वोहापो थे हमारे जब हम शिकागो में पढ़ते थे और ये घटना आज तक मैंने किसी भी मंच से सार्वजनिक नहीं की ये पहली मर्तबा में आपके साथ साझा करूंगा धन्यवाद लिए इवन माय फ्रेंड्स इन शिकागो दे आर नॉट एक्वेंटेड विद दिस इंसिडेंट ये पहली मर्तबा मैं सार्वजनिक करता हूं प्लीज तो <clears throat> हमारा एक मित्र था जिसका नाम था क्रिस वॉज मेयरली ट्वेंटी 23 टू ट्वेंटी फोर ओल्ड और ही वॉज गोइंग फॉर मेडिकल स्कूल ही वॉज वेरी स्मार्ट वेरी इंटेलिजेंट वेरी सगेशियस वेरी स्टाउट हार्टेड वेरी ब्रेव बट अनफॉर्चुनेटली इन डिस्ट्रेस इंग्ली ही वॉज एन एथियस्ट वो भगवान में यकीन नहीं करते थे पढ़ने में बहुत ही स्मार्ट थे तो जब भी हमारा फ्रेंड सर्कल था हम भगवान की बातें करते थे तो जब भी भगवान की बात आती थी वो तुरंत वहाँ से निकल जाते थे या फिर कहते ये सब नॉन सेंस है इंग्लिश में बोलते थे तो एक हमने बहुत प्रयत्न किया हमारे जितने भी ग्रुप सर्कल में थे वी गेव हिम मैनी टेस्ट मैनी प्रूफ दैट गाड डिस्ट तो धीरे धीरे वो एथियस्ट में से एग्नोस्टिक हो गए मैंने पहले प्योर नास्तिक थे अब धीरे धीरे अनिश्चयवादी मैंने गाड कुड एग्जिस्ट गाड भगवान हो भी सकते और नहीं भी, नहीं उस, भी हो सकता ऐसी विचारधारा पर अब न्यूट्रल हो गए लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा माजरा आया कि एक दिन उन्हें मैंने पिछले एक हफ्ते से उनको बहुत ही बुखार आता था वो डॉक्टर को दिखाने से मना करते थे हमने लोगों ने कहा आप दिखाइए डॉक्टर को दिखाया तो रिपोर्ट्स में ये आ, उनको ये मालूम हुआ कि ही सफरिंग फ्रॉम लुक्यूम ब्लड कैंसर एंड इट वाज़ फोर्थ स्टेज ब्लड कैंसर नाउ डॉक्टर्स टोल्ड हिम दैट ही वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव मोर देन टू टू थ्री मंथ्स अब हमें तो ये मालूम नहीं था वो डॉक्टर्स के पास गए थे तो मंडे में वो यूनिवर्सिटी में आते हैं और बहुत ही उदास बैठे थे ये ऐसा बंदा था वो हर दिन हमें आनंद में रखता था क्योंकि तो न्यूरोसाइंस की पढ़ाई बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है तो पूरे दिन पढ़ते रहना होता है ना तो ये बंदा हमें आनंद में रखता था तो कैफेटेरिया में हम जितनी भी बार जाते हैं बहुत आनंद कराता था, था हमें इस दिन वो बहुत ही उदास और मायूस बैठा था बहुत ही मनहूस था यू नो ही वॉज़ एक्सट्रीमली मेलनकोलिक तो हमने उनको पूछा क्या हो गया है वो बताने से हमें मना करता था सब ने बहुत जिक्र किया फिर उन्होंने हमें धीरे से बताया कि डॉक्टर्स टोल में दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फोर्थ स्टेज ब्लड कैंसर और अब मैं आप सभी के बीच दो से तीन महीने से ज्यादा नहीं रह पाऊंगा हम लोग भी उदास हो गए क्योंकि हमारे करीब के मित्र थे तो वो फिर घर पे जाते हमने उनको बहुत ही प्रोत्साहन दिया लेकिन ऑब्वियसली छोटी उम्र में जब किसी को मृत्यु दिखाई देती है तो ही बिकम्स वेरी मेलन वेरी सैड घर पे जाता है एक हफ्ता यू ही बिताता है और एक दिन उसे स्वप्न में भगवान स्वप्न में आते हैं और उन्हें इंग्लिश में कहते हैं कि आई एम गोइंग टू क्योर योर कैंसर प्लीज डोंट वरी अब ये तो नास्तिक मैंने एग्नास्टिक था इज नॉट गोइंग टू बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स तो पूरी रात तो ऐसे बीत गई दूसरी रात में भगवान उसके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं आई एम गोइंग टू क्योर योर कैंसर प्लीज डोंट वरी थॉट दैट ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर नॉन तीसरे दिन भगवान उसके स्वप्न में आते हैं भगवान यही इस बार उसके सर पे हाथ रखा और कहा बेटे आई एम गोइंग टू क्योर योर कैंसर प्लीज डोंट वरी तो ये तीसरे दिन तक लगातार भगवान उसके अब उसको तो ये भी मालूम नहीं था कि ये कौन से भगवान है हैं यू व्हाइट गए यू नो सो ही दिन हमारे हिंदू भगवान से वो परिचित नहीं था तो वो कैफेटेरिया में आता है तीसरे दिन के बाद जब लगातार तीन दिन तक ये इंसिडेंट होता है तो पहले वो ऐसा सोचने लगा कि दिस का, दिस कुड बी हेलूसी कि भैया अब मेरी मृत्यु करीब आ गई है तो मुझे ऐसे सब ड्रीम्स आते होंगे तो फिर हम जितने पाँच छः लोग बैठे थे पाँच छः लोग बैठे थे कैफेटेरिया में और हमारी बगल में एक लड़की थी शी वॉज बॉर्न एंड रेस्ट इन यू उनका नाम था रिया लेकिन वो हिंदू थी तो उनको थोड़ा कंटेम्प्रेशन हो गया कि ये गलत नहीं हो वो क्रिश ने उनको बताया पूरी कहानी तो वो लड़की ने कहा कि ये गलत नहीं हो सकता क्योंकि हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स बनते हैं तो वो रिया उस लड़की ने उनको कहा कि भगवान वाकई तुम्हारे स्वप्न में आए थे तुम इसको सामान्य रूप से मत लेना वो कहता है ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर नॉन सेंस आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स मैं जीसस क्राइस्ट को भी नहीं मानता तो हिंदू भगवान में मैं कैसे यकीन करूँगा सही बात है तो फिर वो लड़की जो रिया थी और हमारे साथ तीन चार और भी बेहतर थे हमने सोचा कि इसको एक बार हम ब्लड रिपोर्ट्स करवाने के लिए ले, ले जाए शायद ये यकीन नहीं करेंगे लेकिन हमें यकीन हो गया था कि भगवान अब इसका कैंसर नल कर देंगे नील कर देंगे तो फिर दो दिन के बाद वो जो लड़की थी रिया उसको ब्लड रिपोर्ट्स करवाने के लिए ले जाती है और जैसे ही रिपोर्ट्स करवाते हैं सब रिपोर्ट्स नील आते है सेकेंड फोर्थ स्टेज ब्लड कैंसर डॉक्टर्स टोल्ड हिम ही वेड नॉट एबल टू सर्वाइव मोर देन टू मंथ्स इन इज लाइफ सभी रिपोर्ट्स नील आ गए सब रिपोर्ट्स करवा दिए फिर उसको यकीन हुआ कि वाकई भगवान मेरे स्वप्न में आए थे और भगवान ने ही मेरे कैंसर को मिटाया उस दिन से ही बिके मैं स्टाउन छिंदू उन्होंने हमें ये इंसिडेंट साझा करने से मना किया था लेकिन हमने आज कर दिया <laughs> <laughs> तो फिर मैंने सोचा कि भगवान एक नास्तिक को एग्नास्टिक बना सकते हैं और उससे भी ज्यादा जो भगवान पर यकीन नहीं रखता उसको भी भगवान उसके जीवन में ऐसे मेरेकल्स करते कॉम्प्रिहेंसिबल इंसिडेंट्स उसके जीवन में सर्जन करके उसको भी आस्तिक बनाते हैं तो यदि मैं मेरी जिंदगी भगवान को समर्पित कर दूंगा तो भगवान मेरे लिए क्या क्या नहीं कर पाएंगे तो दिस इंसिडेंट रियली इग्नाइटेड मी रियली प्रोपेल्ड मी इट रियली इंस्पायर्ड मी एंड एक्सिलरेटेड मी टू इनिशिएट मॉन्कुड लवली सो फिर अपने पेरेंट्स को कैसे आपने बताया क्योंकि आपको तो चीज़ें सब समझ में आ गई लेकिन माता पिता तो अपना प्यार रखते हैं बच्चे के प्रति जी और आप तो त्यागी सन्यासी है मतलब सब कुछ आपको छोड़ना पड़ा होगा जी तो ये किस तरीके से हुआ कि माता पिता ने कब एक्सेप्ट किया कैसे आपने बताया देखिए ये पूरी प्रोसेस में चार साल लग गए थे पहले तो हमने जब डिसाइड किया मुझे संत बनना है तो फाइनल डिसीजन तक में आया उस पूरी प्रक्रिया में चार साल लग गए थे चार साल का लंबा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों चार साल लगे जी तो पहले ये चैलेंज तो पूरा हो गया अब मुझे संत बनना है वो सुनिश्चित हो गया अब दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि हाउ एम आई गोइंग टू प्रपोज दिस टू माई फैमिली मेम्बर्स क्योंकि पिताजी के हम प्यारे थे माता के लाडले थे भाई हमें बहुत प्रेम करते थे तो दिस वॉज वन ऑफ द ब्लिस्टरिंग चैलेंज वेरी फेरोशियस वेरी हेलिशियस चैलेंज फॉर मी

एंड दिस वॉज इन बिकॉज ये इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माता जी इसकी अगेंस्ट होगी या मेरी मुखालिफत करेंगी इस निर्णय में लेकिन हर एक माता के लिए उनका संतान सबसे प्रिय होता है सबसे अजीज होता है ट्रू और हम स्वामीनारायण संप्रदाय में संत बनने की बात करते थे तो हमारे यहाँ सन्यासियों का ऐसा नियम होता है वंस यू रेनाउंस दिस वर्ल्ड शी इज़ नॉट गोइंग टू टॉक विथ मी एनी मोर तो मुझे ये सबसे चैलेंज लगता है कि वो मैं उनको कैसे प्रपोज करूं क्योंकि माता के लिए सबसे प्रिय उनका संतान होता है तो मैं हर दिन भगवान को प्रार्थना करता रहा भगवान आप कुछ चमत्कार करना आप कुछ चमत्कार करना और मैं कभी कभार मजाक में आ, माता जी को कहता था कि ये मेरी मंशा है मुझे संत बनना है तो मजाक में वो हमारी बातें टाल देती दे थी तो मैंने ये मुझे ये मालूम पड़ा कि शी स्टिल नॉट रेडी इट कभी कभार हम ऐसा करते थे कि स्क्रिप्चर्स में जहाँ पर भी संत पद की महिमा आ जाए जैसे ग्रंथों में लिखा हो कि संत बनने से क्या लाभ होते क्या महिमा है संत पद की तो वो कभी कभार हम उनको दिखाते थे या सुनाते थे अच्छा शायद इसकी वजह से उनका माइंड कन्विंस हो जाए राइट लेकिन हमने बहुत कोशिश की तो एक दिन हमने साहस करके यू नो हमने सीरियसली उनको बता दिया कि मुझे संत बनना है तो फिर जैसे ही मैंने उनको कहा आई remember, यू नो शी स्टार्ट वीपिंग वो बिलखने लगी और रोने लगी और उस पूरे दिन उन्होंने उपवास कर दिया तो उस दिन मैंने फिगर आउट कर लिया कि शी स्टिल नॉट रेडी टू एक्सेप्ट तो फिर हमने और प्रार्थना तेज़ी से करना शुरू कर दिया यू नो नॉर्मली ड्यूरिंग द वी वीज टू स्टडी टेन टू ट्वेल्व आवर्स ए डे वीकेंड्स में हम जॉब करते थे तो वीकेंड्स में जॉब से जब रिटर्न आते थे रात को हम तो हम रास्ते में से हाई कैपेचिनो मने हाई कैफिन वाला जो कैपेचिनो ड्रिंक आता है जो एस्प्रेसो ड्रिंक आता है वो ले लेते थे हाई कैफिन वाली ड्रिंक हम इसलिए लेते थे कि पूरी रात हम भगवान को प्रार्थना कर सकें तो वीकेंड्स में हम लगातार ऐसे कई वीकेंड्स हमने बिताए हैं कि हम एक भी मिनट नहीं सोए थे और भगवान को निरंतर प्रार्थना सोते सोते किसी को मालूम भी ना पड़े उस तरीके से कंबल ओढ़ हम प्रार्थना करते थे भगवान आप इसमें कुछ चमत्कार करना चमत्कार करना और एक दिन वाकई भगवान ने चमत्कार किया एक दिन हमारी जो पूर्वाश्रम की माता थे वो हमारे पास आती है और यू नो हर हार्ट वॉज एब्सोलुटली मैटम वॉर फोस्ट यू नो एंड मेरेकल अकर्ड इन हर हार्ट एंड शी कम्स टू मी एंड टेल्स मी बेटे तुझे यदि संत बनना है तो मे आई एम गिविंग यू माई कंकरेंस मैं, मैं मेरी कंसेंट तुझे देती हूँ आप संत बन सकते हैं एक शर्त के साथ कि यू विल नॉट एस्ट्रे फ्रॉम द पैथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी आप हमेशा भगवान पर ही लालयत रहेंगे भगवान के मार्ग से आप भ्रष्ट नहीं हो जाएंगे देन आई प्रोमिस्ट आल नॉट एस्ट्रे फ्रॉम द पैथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी आई विल परपेचुअली सर्व अदर्स एल्टुरिस्टिकली एंड बी जेल टूअर्ड्स गॉड तो दैट डे आई वॉज फिल्ड विथ एक्सुअरेंस जॉय एंड रिलेक्टेशन हमारे अंदर जितने भी बैफलमेंट थे जितनी भी दुविधाएं थी कश्मकश थी वो सब नष्ट हो गई तो यू नो आई वॉज आई फेल्ड एस आई वॉज इमेंसिपेटेड और उस दिन हमने उनको दंडवत प्रणाम किया उनके चरण स्पर्श किए और थोड़े दिन के पश्चात हिंदुस्तान से संत लोग आए थे वो न्यू जर्सी में थे उस वक्त हम तो शिकागो में रहते थे तो हमने सोचा कि दिस वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे कि मैं हमारे माता जी को बताया कि हम न्यू जर्सी संतों के साथ थोड़े दिन बिताना चाहते थे ऑल दो उन्होंने हमें परमिशन दे दिया था लेकिन हम जानते थे कि एक माता का हृदय बहुत ही कोमल होता है तो इफ आई टेल हर मैं अब संत बनने के लिए जा रहा हूँ अब कभी भी आपको नहीं मिलूंगा आई एम श्योर यू नो get गेट इंटीमिडेटेड तो हमने उनको ऐसा कहा कि अब न्यूजर्सी में संत आए तो उनके साथ मैं थोड़े दिन बिताना चाहूँगा तो उन्होंने मुझे कंसेंट दिया अब देखिए मेरे अंदर तो ये सुनिश्चित था कि आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न बैक मैं अब वापस नहीं आने वाला तो उनको भी ये प्रडिक्शन आ गया था कि अब ये वापस आने वाला नहीं है तो आई रिमेंबर कि उस दिन वो हमें ड्रॉप करने के लिए आते हैं एयरपोर्ट पर तो उनकी आंखों में से आंसू बहते थे अंडरा और हमारी अंतरात्मा भी बहुत बिलख रही थी लेकिन फिजिकली हम हमारी आंखों में से आंसू नहीं दिखा रहे थे क्योंकि यदि हम भी सेंटिमेंटल हो जाएंगे तो उनकी आंखों में से और भी आंसू बहने लगेंगे तो हमारे हृदय बहुत काँप रहा था और हम जैसे ही फ्लाइट में बैठ गए शिकागो से न्यूजर्सी जाने के लिए तो हम हमारे आंसू को कंट्रोल नहीं करवाए और हमारे आंखों में से अनराधार आंसू बह रहे थे तो हमारे बगल में एक शायद तीस साल की एक अमेरिकन लड़की बैठी थी तो उनको मालूम पड़ गया कि ये लड़का बिलख रहा है रो रहा है तो फिर उन्होंने दो तीन बार ऐसे हाथ करके मुझे पूछा कि आर यू क्राइंग तो हमने उनको कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने तीन चार बार हमें पूछा फिर मैंने सोचा कि एक अमेरिकन महिला को मैं ये सब चीज़ें कैसे समझाऊँ कि अब हम घर त्याग करके सन्यासी बनने के लिए जा रहे हैं ये तो अमेरिकन लोग है वाइट लोग हैं उनको ये सब चीज़ें कैसे मालूम पड़ेगी फिर भी उन्होंने बहुत जिक्र किया फिर हमने उनको पूरी कहानी सुना दी कि अब हम गृह त्याग करके हिंदुस्तान में संत बनने के लिए जाना चाहते हैं तो फॉर्चुनेटली वो जो लड़की हमारे बगल में बैठे थी शी शीवस ऑल्दो शी शिवस यू नो अमेरिकन स्टाउंसली बिलीव इन हिंदुज उनके पर्स में से उन्होंने हमें नीम करोली बाबा की तस्वीर दिखाई <laughs> और उन्होंने हमें कहा कि आई बिलीव इन नीम करोली बाबा वो हमारे गुरु yes, Jobsby, think, uh, उनसे मिलने के लिए आए। yes, 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 yeah. और हॉलीवुड की जो मशहूर एक्ट्रेस है जूलिया रॉबर्ट जी उन्होंने भी उनकी तस्वीर देखकर उनको गुरु बना लिया ओके okay. तो बहुत ही प्रसिद्ध है बहुत ही सिद्ध पुरुष थे डिम करोली बाबा तो उन्होंने हमें तस्वीर दिखाई और उन्होंने कहा कि ये हमारे गुरु हैं मैंने उनका तो तब देहांत हो गया था देन शी शिटोल मी आई कैन कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड वॉट यू आर ट्राइंग टू टेल मी फिर उन्होंने हमें ये एक बात बताई आप चिंता मत कीजिए आप जब तक अमेरिका में हो तब तक भगवान की पाँच मालाएँ करना हमें कहा कोई बात नहीं हम करेंगे अब हमारे लिए तो वो लड़की स्ट्रेंजर थी तो फिर जैसे ही हम फ्लाइट में से नीचे जा रहे थे उन्होंने हमारा नंबर मांगा हमने कहा कि बहन अब हम जिस राह पर जा रहे हैं ना अब हम ये सब चीज़ें त्यागने के लिए जा रहे हैं तो आप हमारा नंबर ले क्या करेंगे तो हमने नंबर नहीं दिया प्रेम से उनको इनकार कर दिया लेकिन ऐसी चीज़ हुई कि हम जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे तो हमारी जो बैगेज थी वो मिल नहीं रही थी हमारी जो बैगेज फिर हमने लॉस्ट जो एयरपोर्ट्स पर जो डिपार्टमेंट्स होता है वहाँ पर कंप्लेंट लिखवाई और तीन चार दिन के बाद ये वही महिला का हमारे पर फोन आता है जो हमारे बगल में बैठी थी और उनका फोन आता है कि आपकी जो बैग लॉस्ट हो गई थी वो गलती से मेरे पास आ गई है एंड शी लिव्ड इन फिलाडेल्फिया फिलाडेल्फिया न्यू जर्सी से डेढ़ घंटे की दूरी पर है बाई कार तो हमने कहा आप हमें कुरियर कर दीजिए आप जो कुछ भी पैसे होंगे हम आपको दे देंगे उन्होंने कहा नहीं मैं आपको रूबरू मिलना चाहती हूँ <laughs> तो वो रूबरू फिलाडेल्फिया से न्यूजर्सी में आती है और बैग देना तो एक निमित्त ही था लेकिन फिर हमें वो बताती है कि आप जिस मार्ग पर जाना चाहते हैं ना उस पर हम भगवान को आपके लिए हर दिन प्रार्थना करेंगे आपका मार्ग आपकी जो डगर है वो महफूज रहे भगवान हर पल आपके साथ रहेंगे उन्होंने हमें एक मशवरा दिया कि आप कभी भी ये मत सोचना कि भगवान आपके लिए क्या नहीं कर पाएंगे आप शत प्रतिशत भगवान पर यकीन रखना और कहा कि पाँच मालाएँ भगवान की करना हमने वो नियम को शुरू कर दिया और फिर वो चली गई और फिर संत लोग हिंदुस्तान में आते और फिर हम हिंदुस्तान में आते और हमारे गुरु जी से मिलते और फिर संत की दीक्षा धारण करते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया थी <laughs> बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपकी रही जर्नी आपने अभी बात की थी कि एक ऐसा हैप्पीनेस चाहिए जिसमें जो ट्रांजिएंट ना हो जो अनफेथेबल हो या फिर फियरलेस हो तो ऑलमोस्ट एक डेकेड से ज़्यादा हो गया है जब आपने मोंक धारण किया था तो क्या है वो खुशी क्या आपको मिली है अभी तक या मिलनी बाकी है जिस जो जिसमें फियर भी नहीं है जिसमें जो ट्रांज़िएंट भी नहीं है और जो असीम है देखिए पहले तो संत बनने की एक गरिमा होनी चाहिए जैसे कि कोई आंट्रप्रेनर है तो इफ़ ही इज़ नॉट फीलिंग पैशनेट अबाउट हिस फील्ड ही इज़ नॉट गोइंग टू सक्सीड इन हिस फील्ड जैसे कोई एक्टर है एक्टिंग का काम करता है यदि उसको अपने प्रोफेशन पर गर्व नहीं होगा तो ही इज नॉट गोइंग तो टू सक्सीड इन दिस फील्ड कोई डॉक्टर हो यदि ही इज तो गोइंग टू थिंक इससे अच्छा बेहतर ये होता कि मैं पॉलिटिशियन बन जाता तो डॉक्टर अपनी ड्यूटीज़ को बखूबी नहीं निभा पाएगा वैसे ही जब हमने इस भगवे कपड़े को धारण किया है संत की पदवी को धारण किया है तो हमारे अंदर भी एक उत्साह होना चाहिए एक जुनून होना चाहिए एक गरिमा होनी चाहिए कि मैंने इस वस्त्रों को धारण किए हैं कई कबार लोग हमें पूछते हैं कि संत बनने के बाद आपका मन डिस्ट्रैक्शंस पर जाता है जैसे कोई ख़ूबसूरत बीवी को ले जाता हो या कोई सांसारिक सुखों में उलझा हुआ हो तो आपको ये नहीं लगता कि यू आर मिसिंग समथिंग इन योर लाइफ तो हम उनको यही एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप टॉयलेट जाते हैं फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी व्यक्ति मल विसर्जन करता है तो एफ्टर एक्सक्रीटिंग द टूल मल विसर्जन करने के बाद कभी भी किसी भी इंसान को ये दुख हुआ ये रंज हुआ ये खेद हुआ ये ग्लाने हुई ये मलाल हुआ कि ये मैंने गलत काम कर दिया नो वन एवर फेल दिस राइट आप जैसे ही मल त्याग करते हैं, कोई भी व्यक्ति तो उसको अंदर से सुकून मिलता है नो वन एवर टॉक कि ये मैंने गलत काम कर दिया मल त्याग करके वैसे ही ये एग्जाम्पल से मैं ये बताना चाहता हूं संत के लिए जितने भी सांसारिक सुख है जितने भी मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है उसके लिए मलवत है एक बार संत ने ये सब सुख त्याग दिए तो कभी भी उसको ऐसा नहीं लगता कि मैंने ये गलत चॉइस ले ली सच्चे संत की मैं बात करता हूं जैसे कि कोई व्यक्ति खूबसूरत महिला के साथ जाता होगा तो संत को कभी ये नहीं लगता कि वो हाउ फॉर्चुनेट इज जैसे किसी के पास बहुत धन हो प्रतिष्ठा हो पावर हो तो संत को कभी ये नहीं लगता कि ओ ये कितना फॉर्चुनेट है कितना लकी है कितना खुशकिस्मत है कि उसके पास इतनी दौलत है इतनी शोहरत है क्योंकि संत के पास एक ऐसी दौलत होती है एक ऐसी शोहरत होती है जो किसी के पास नहीं होती और वो है भगवान का आनंद ये एक बार जब कोई भी इंसान भगवान के आनंद को एक्सपीरियंस कर लेता है ये जितने भी सांसारिक सुख है उसको बहुत ही ट्रिवियल लगते हैं तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि संत बनने के बाद हमें ज़रूर सार्थकता लगती है जैसे देखिए गजराज जब चलते हैं तो कभी भी कुत्ते भौंकते हैं तो गजराज पीछे मोड़ के नहीं देखते गजराज हाथी को कभी ये नहीं ये नहीं सोचता कि कुत्ते भौंकते हैं तो मैं भी पीछे देख लूँ वैसे ही ये जितने भी कुत्ते मने जितने भी मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है वो जब संत के पीछे दौड़ते हैं एक्सेप्ट कीजिए हमारा एक्सेप्टेंस कीजिए तो संत कभी मूड के पीछे नहीं देखता क्योंकि उसका मकसद ही अलग होता है तो सच्चा संत कौन है बिकॉज़ आजकल हम सोशल मीडिया पे कई बार देखते हैं कि बहुत से संत हैं जो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं एक एक दो दो पाँच पाँच करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं आजू बाजू में बॉडी चल रहे हैं और मतलब कि एक नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा मटेरियलिज्म उनके आसपास दिखता है तो क्या उन्हें संत कहा जा सकता है इस पर मैं ऐसे कोई व्यक्ति पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता लेकिन देखिए संत जो चीज है ना संतदार जैसे संत का अर्थ ये नहीं कि यही वेशभूषा में संत हो सकता है आपकी वेशभूषा में भी संत हो सकता है ये वस्त्र से कोई लेना देना नहीं है ओके okay. संत इसी को कहा जाता है जिसके भी भगवान और उनके बीच जिसका कनेक्शन बहुत डीप हो ओके okay. संत इसको कहा जाता है जो सांसारिक सुखों से पर हो ऐसा नहीं है कि वो हेलीकॉप्टर में घूमता है इसलिए संत नहीं है ऐसा नहीं है कि वो बॉडी गार्ड रखता है इसका अर्थ ये है कि ये संत नहीं है ये तो बाह्य चीज है और ऐसा भी नहीं है कि सब त्याग करके बैठ गया इसलिए वो संत है कभी कभार मन में जैसे कोई संत ऐसे भी होते हैं कि सब कुछ त्याग दिया है लेकिन मन से अयाशी बवंडल लेती है काम वासना बवंडल लेती है फिर ऐसे एक्सपोज भी होते हैं ऐसे संत एक्सपोज होते होता है ये पूरा माजरा जो है वो आंतरिक माजरा है ऐसी बाह्य चीज़ों से किसी को जज करना वो ठीक नहीं है तो ये कैसे व्यक्ति पता लगाए कि कोई संत जो है वो बिल्कुल एक ऑथेंटिक एक सच्चा संत है और एक संत जो है वो सिर्फ छलावा कर रहा है या फिर मास्क दे अपना कोई मे बी स्वार्थ के लिए कर रहा है दोनों में क्या ऐसे फीचर्स होते हैं या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे एक अंदाज़ा लग सके जैसे आप एक त्यागी हैं और इतने स्ट्रॉन्ग पाथ पे आप चलते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जनता को मैन्यपुलेट कर लेते हैं जी ठीक है और उनकी श्रद्धा का उनके कन्विक्शन का उनकी, उनकी आस्था का गलत फ़ायदा भी उठा लेते जी, हैं जी बिल्कुल तो आपने तो इतने सारे लोग देखे हैं तो कैसे पता लगता है कि अगर ये ये गुण है तो ये बिल्कुल सही चल रहा होगा और अगर ऐसा कुछ है तो कुछ चांसेस हैं कि गलत हो सकता है इसका कोई स्पष्ट मार्कर नहीं है क्योंकि यदि आपको रियल संत को आइडेंटिफाई करना है जी तो कभी भी देखने से मालूम नहीं पड़ता जब आप उनके साथ व्यवहार करते हैं ग्रंथों में लिखा है व्यवहार ए साधु मने जब आप उनके साथ व्यवहार करते हैं तब आपको मालूम पड़ता है कि वो वाकई सच्चे संत है या नहीं व्यवहार मने जब आप उनके साथ संगति करते हैं तो संगति में धीरे धीरे आपको ये ज्ञात ज्ञात होता है वैसे तो कहा गया है कि जिसका जीवन सरल होता है जिसका जीवन सहज होता है उसको संत कहते हैं मैंने अंदर से सादगी होनी चाहिए अंदर से सरलता होनी चाहिए ऐसा नहीं कि बाहर से कभी कभार कोई लोग ऐसे भी होते हैं बाहर से बहुत रुष्ट पुष्ट होते हैं बाहर से माने उनका स्वभाव बहुत एग्रेसिव होता है अंदर से बहुत शांत होते हैं तो संत की परिभाषा संत अच्छे संत को आइडेंटिफाई करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है आप उनकी संगति में रहिए तब ही ये मालूम पड़ता है एक दिन दे, के लिए जैसे ऐसे कई संत है आज सोशल मीडिया पर बहुत बहुत ही फेमस है और ऐसे कई संत है जो सोशल मीडिया पर आए ही नहीं जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ जैसे प्रेमानंद जी महाराज है वृंदावन में तो आज से दस साल पहले किसी ने उनका नाम नहीं सुना था तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो संत ही नहीं थे अच्छे संत आज पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब वो सच्चे संत हैं सोशल मीडिया पर हो या न हो प्रवचन करते हो या न हो लोग उनको पहचानते हो या न हो लेकिन सच्चे संत अंदर से होते हैं और आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आप उनकी संगति में रहेंगे सो so, आप जैसे एक त्यागी सन्यासी हैं तो बाय रूल क्या 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 चीज़ें डिसिप्लिन में आती हैं कि आप ये ये कर सकते हैं और ये ये आप नहीं कर सकते वैसे हमारे संतों के नियम बाह्य रूप से बहुत ही दुष्कर है मैंने कोई पहली मरतबा जब सुनेगा तो ही थिंक दैट इतने इतने दुष्कर नियम हैं हमारे संतों के जो नियम है और इसीलिए मैंने आपको बताया थी कि मुझे चार साल क्यों लग गए ये डिसाइड करने में क्योंकि दिस वॉज इन समथिंग दैट यू नो लाइक वॉट कॉलेज आई प्लान टू अटेंड वॉट डिग्री आई प्लान टू परसिव और वट बिजनेस आई प्लान टू इनिशिएट दिस वॉज समथिंग दैट माई एक्सक्लूसिव मेमर हिन्सड अपॉन ये एक ऐसा निर्णय था ऐसा रेजोल्यूशन था जिसके आधार पर मैं मेरी पूरी जिंदगी बिताने वाला था इसलिए मुझे चार साल लग गए और हमारे जो संतों के नियम है इट इज कंपार्टमेंटलाइज इन टू फाइव मेजर रूल्स हमारे जो संतों के नियम है वो पाँच उसूलों में तकसीम किया हुआ है सबसे पहला नियम ये है निष्कामी वर्तमान मन ब्रह्मचर्य एंड वेन आई टॉक अबाउट ब्रह्मचर्य इट इज एब्सोलूट एंड कंपेंडियस सेलिब्रेसी मने एक श्लोक आता है मैं आपको सुनाता हूँ स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गोह्य भाषणम संकल्पो अद्य क्रिया निष्पत्ति रेवच मने ब्रह्मचर्य आठ विभाजनों में तकसीम किया हुआ है ब्रह्मचर्य और आजकल ऐसा नहीं है कि देखिए आपको किसी महिला को देखकर देख कर उत्तेजित हो तो वही काम वासना ऐसा नहीं है आजकल होमोसेक्सुअलिटी की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है तो मर्द हो या महिला किसी को देखकर जो भी चीज आपकी अयाशी को बुलंद करती है आपकी हवस को बुलंद करती है उससे आपको परहेज रखना है तो पहली चीज इस श्लोक में ये आई स्मरणम मने आपकी काम वासना को उत्तेजित करे ऐसा कोई भी चिंतवन करना स्मरणम मने चिंतवन विशुअलाइज उसका चिंतवन करना दूसरी चीज आई कीर्तनम मने ऐसी बातें करना जो आपके सेक्सुअल डिजायर को एग्रेवेट करे तीसरी चीज आई कीली जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्लर्टिंग ऐसे व्यक्तियों के साथ फ्लर्टिंग करना जिससे आपकी काम वासना बुलंद हो जाएगी चौथी चीज आई प्रेक्षणम मैंने ऐसी चीजें देखना यूट्यूब में या रूबरू में जिस व्यक्ति को देख आपकी काम वासना बुलंद हो जाए इसको प्रेक्षणम कहते हैं पांचवी चीज आई गुह्य भाषणम मैंने एकांत में ऐसे व्यक्ति के साथ चर्चा करना एकांत में YouTube पर ऐसे वीडियोस देख लेना सोशल मीडिया के जरिए ऐसे व्यक्ति की संगति में आना एकांत में जो आपकी काम वासना और अयाशी को बुलंद करे छठी चीज़ इसमें आई संकल्पों मैंने संकल्प करना कि मुझे ये लड़की चाहिए मुझे इसके साथ काम वासना करनी है ये सिक्स्थ चीज आई संकल्प हो सातवीं चीज आई अध्यवसाय मने कि आपको दृढ़ रेजोल्यूशन कर देना कि मुझे इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ही है जो दृढ़ रेजोल्यूशन कर लिया आपने और आठवीं चीज आ गई क्रिया निष्पत्ति रे वचन मने साक्षात सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेना तो ये आठ चीजों से अपने आप को बास रखना वंचित रखना इसको ब्रह्मचर्य कहा गया है और हमारे सन्यासियों के नियम में ऐसा है यदि काम वासना के विचार भी आ जाए आपने प्रैक्टिकल नहीं किया वर्तन में नहीं लाए विचार भी आ जाए तब भी एक उपवास करना पड़ता है निरन उपवास करना पड़ता है जैसे किसी को देख कर यदि मेरी अयाशी बुलंद हो जाए तो मुझे एक उपवास करना पड़ता है यदि स्वप्न दोष हो जाए मन जिसको हम नाइट फॉल्स कहते हैं तब भी एक उपवास करना पड़ता है क्योंकि ग्रंथों में दक्ष मृत्यु में कहा गया है कि मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणा मने वीर का नाश ही मृत्यु है और वीर्य का संरक्षण ही जीवन है तो जब भी नाइट फॉल्स हो जाए तब एक उपवास करना पड़ता है फिर किसी ने मैस्टरबेशन कर लिया किसी ने कर्म मैथुन कर लिया हस्त मैथुन कर लिया तो चार दिन के लगातार उपवास होते हैं ऐसा नहीं कि आज उपवास किया फिर थोड़े दिन के बाद किया लगातार चार उपवास निरन, नींबू पानी ऐसा कुछ नहीं तो ये ब्रह्मचर्य का नियम हमारे सन्यासियों का होता है मीनिंग इट इज़ एब्सुलूट एंड कंपेंडियर सेलिब्रेसी ये ऐसा ब्रह्मचर्य है जो शारीरिक रूप से भी किया मानसिक रूप से कर्म से आप सभी को ये इम्प्लीमेंट करना है ऐसा नहीं है देखिए कोई लोग एक बंदा मुझे मिला था वो कहता था मुझे संत बनना है लेकिन मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाऊंगा तो मैंने कहा आपके लिए संत आश्रम है ही नहीं कोई युद्ध भूमि में जाना चाहता है लेकिन कहेगा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो उसके लिए युद्ध भूमि है ही नहीं वैसे ही कोई कहेगा कि ये मेरी कमजोरी है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाऊंगा तो उसके लिए ये संन्यास आश्रम है ही नहीं ऐसा भी नहीं है कि जब आप संत बनने के लिए आए तो आपकी काम वासना होनी ही नहीं चाहिए लेकिन आप जरूर उस पक्ष में तो जरूर होने चाहिए आपका ये रेजोल्यूशन तो होना चाहिए कि मुझे ये सब का त्याग करना है यदि आप जानबूझकर बूझ मैस्टरबेशन करते YouTube पर ऐसे खराब वीडियोस अश्लील वीडियोस देख रहे तो ऐसे लोगों के लिए संत आश्रम है ही नहीं सही बात तो ये पहला नियम हो गया अष्ट प्रकार के ब्रह्मचर्य का दूसरा नियम हमारा हो गया निस्वादी वर्तमान मने यू नो यू कीप यन फ्रॉम ऑल दिलिशियस क्रमचियस एंड लस्कियस फूड्स मैंने हमारे संतों के लिए ऐसा कहा गया है कि हमें ऐसा डिज़ायर नहीं करना है कि आज मुझे पिज्जा खाना है <laughs> आज मुझे मंचूरियन खाना है आज मुझे टाको खाना है आज मुझे समोसास खाना है जो भी प्रसाद बनाया जाता है वो भगवान को अर्पित करके आपको लेना है और ऐसा भी नहीं कि चलिए ये खा लेंगे ये खा लेंगे हमारा नियम ऐसा होता है कि एक लकड़े का बर्तन होता है हम स्टील में या ग्लास में भोजन नहीं ले सकते लकड़े का एक बर्तन होता है राउंड बर्तन होता है उसके अंदर जो कुछ भी चीज आ जाए जैसे गुलाब जामुन हो या समोसा हो जैसे दाल हो गरम दाल हो या ठंडा फ्रूट सलाद हो सब चीजों को एक साथ मिलाना है ऐसा नहीं कि चलिए अब एक समोसा खा लिया तो अब गुलाब जामुन खाएंगे ऐसा अच्छा, नहीं ऐसा भी रूल है ऐसा रूल है तो आप जब भी भोजन लेता है तो टेक्निकली ऐसा होना चाहिए कि आपकी जीवा को आपके टेस्ट बर्ड्स को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि हम चेरिशिंग गुलाब जामुन और समोसा इतना आपको साथ मिक्स साथ और एमएल करना है और आप ये सोचेंगे कि इसका क्या कारण है जी कोई लोग हमें बताते हैं कि इतना शरीर को कष्ट देकर क्या लाभ है तो यह सब चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है ये ग्रंथों में लिखा है कि सर्वेशा इंद्रिया नाम ही शोभ हेतु रसोमत तन मुला सकला दोषा प्रवर्तनते अग हेतु मने भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार है पाप के द्वारे तो ये काम काम की उत्पत्ति हो क्रोध की उत्पत्ति हो या लोभ की उत्पत्ति हो ये तीनों की उत्पत्ति का एक कारण रसा स्वाद है मैंने अच्छी अच्छी चीजों को खाना इसलिए ही भगवान ने कहा है कि सर्वे इंद्रियानी जियानी रचना तो विशेषता मैंने सभी इंद्रियों को अपने वश में करना है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अपनी जीवा इंद्रिय को कंट्रोल में लेना है देखिए मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए कि आप कोई चीज कोई व्यक्ति नॉनवेज खाएगा और फिर मेडिटेशन करने के लिए बैठेगा वो मेडिटेशन नहीं कर पाएगा उसको डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाएंगे अब आप, मैं आपको सिंपल कंपैरिजन देता हूँ कोई व्यक्ति मंचूरियन खा के या पिज्जा खा के मेडिटेशन करता है और एक व्यक्ति सामान्य रोटी शाग दावल खा के मेडिटेशन करता है तो दोनों के अंदर जो रोटी चावल खा के जो मेडिटेशन करता है His levels of meditation would be much more higher compared to who is eating Manchurian or any of fast food. तो ये आहार का इतना प्रभाव होता है इसलिए ग्रंथ में कहा गया है कि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि है, सत्व शुद्ध ध्रुआ स्मृति ही इसलिए हमारे ग्रंथ में कहा गया है इसलिए संतों के जीवन में ये अनियंस और गार्लिक का परहेज रखते हैं हम जितनी भी कैफिन वाली चीज है चाय कॉफी या जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर कैफिन आता है ऐसी ड्रिंक्स भी नहीं ले सकते क्योंकि ये आपको तमोगुण और रजोगुण को उत्तेजना देता है और हमारा ये नियम होता है जब भी लकड़े के बर्तन में भोजन लेते हैं हम तो एक एक ग्रास मैंने एवरी बाइट के साथ आपको भगवान का नाम स्मरण करना है एवरी बाइट एवरी बाइट कई संत लोग तो ऐसा भी नियम रखते हैं कि जिस बाइट में भगवान का विस्मरण हो गया उसके बाद वो नया भोजन नहीं लेंगे अच्छा तो ये ये आहार पर बहुत निर्धारित है इसलिए दूसरा नियम हो गया पहला हो गया ब्रह्मचर्य का दूसरा हो गया निस्वादी वर्तमान मैंने अपनी जीवा पर कंट्रोल लेना है तीसरा हो गया निर्लोभ वर्तमान मने कीपिंग योर सेल्फ अब्सटेन फ्रॉम ऑल द ग्रीडी डिजायर्स जैसे हमारी ये संत लोग के जो कपड़े जो वस्त्र होते हैं ना इसमें पॉकेट्स नहीं होते ताकि हम किसी भी किस्म का मनी ना रख पाए किसी भी पोजेशंस को हम हमारे पॉकेट्स में न रख पाए हमारे संतों का नियम ये होता है कि हम हमारे नाम की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रख सकते जैसे आप कभी भी ये ये आपके जहन में नहीं आएगा कि अखंड स्वामी नाम का एक पर्सनल बैंक अकाउंट है हमारे ट्रस्ट होते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं उसके जरिए व्यवहार किया जाता है हमारे पर्सनल बैंक अकाउंट्स नहीं होते हमारा पर्सनल प्रजेशन्स कुछ नहीं होता पर्सनल हमारे नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती और ये जितने भी वस्त्र रखते हैं ना ये दो जोड़ वस्त्र रख सकते हैं हम जैसे आज ये और दूसरे दिन के लिए दूसरी जोड़ इससे ज़्यादा हम वस्त्र भी नहीं रख सकते हैं। तो ये वाले भी जो आप लोगों का ये है वेशभूषा है वो भी दो ही अलाउड है दो ही अलाउड दो ही जाएगी दूसरी पहनी जाएगी ऑल्टरनेट चलेगी वो अल्टरनेट चलेगी।, चलेगी और संतों के लिए कहा गया है कि हमारे खुद के लिए हमें कभी भी आ, आयाशी वाला जीवन नहीं जीना मैंने मौज शौक वाले हाई फाई चीज़ें रखना ये हमारे लिए वंचित है लेकिन जब दूसरों के लिए ये चीज़ें करनी है जैसे हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कम से कम खर्च में यापन हो जाए हमारा अगर कोई आपको तोहफा देता है या गिफ्ट देता है तो भी आप लोग नहीं नहीं लेते हैं मंदिर में दे देते हैं और फिर मंदिर में से किसी जरूरतमंद इंसान को दे देते हैं जैसे कोई गरीब आया कोई बेचारा ज़रूरतमंद व्यक्ति आया तो उनको हम भेंट में दे देते हैं तो ये हमारे संतों का तीसरा नियम है निर्लोभ वर्तमान मन कम कीपिंग योर सेल्फ कम्पलीटली सेक्लूडेड फ्रॉम ऑल द ग्रीडी डिजायर्स वहां तक लिखा गया है कि आपको जैसी किसी पोजेशंस को एक्वायर करने का भी संकल्प हो जाए यदि आपको ऐसा लगे कि जैसे कोई गृहस्थ को ऐसा लगता है मुझे मिलेनर बनना है वैसे संत को यदि ऐसे विचार आ जाए कि मुझे धन एक्यूमुलेट करना है विचार भी आ जाए तब भी आपको एक उपवास करना पड़ता है ये सब आंतरिक चीजें हैं आपकी बिहेवियर में आ जाए तब नहीं लेकिन जब से विचार हो जाए तब से ही आपको अपने आप को प्रायश्चित करना है दंड दे तो ये तीसरी चीज हो गई निर्लोभ वर्तमान चौथी चीज हो गई निस्नेही वर्तमान मने कि आप जब इस दीक्षा को धारण करते हैं उसके पश्चात आप अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, जैसे शिकागो में हमारे जो कोई फादर मदर ब्रदर होगा उनके साथ हम किसी भी किस्म का संबंध नहीं रख सकते ना तो बात कर सकते हैं ना मिल सकते हैं खत लिख सकते हैं नहीं खत भी नहीं लिख सकते खत भी नहीं लिख सकते हमारे संन्यास आश्रम में चौदह साल हो गए दीक्षा लिए दस साल हो गए पूर्व कुल मिलाकर चौदह साल हो गए तो पिछले चौदह सालों से हमने एक भी बार हमारे पूर्वाश्रम के जो पेरेंट्स माता पिता भाई उनके साथ एक बार भी हमने किसी भी किस्म का संबंध नहीं रखा वो कभी रखते हैं वो कभी ट्राई करते हैं आपसे करने का उनको ये सब उसोलों का ज्ञात होता है okay. तो दे, दे आवर मतलब जब कंसेंट दिया तो मतलब वो ये एक्सेप्टेंस के साथ ही वो समझते है तो वो हमें देख सकते हैं वो हमारे प्रवचन सुन सकते हैं वो मैंने उनको नहीं हम जानबूझकर उनको नहीं देखते मैंने ऐसा नहीं कि चलिए दस साल हो गए हमारे लिए तो किसी के द्वारा हम पूछवाए अरे हमारी माता जी क्या करती आप हमें कर बताइए हमारे भाई कौन सा बिजनेस करते आप हमें जानकर बताइए तो ये सब चीजें कंप्लीटली वर्जित है कोई इनडायरेक्टली बताए आप पूछ नहीं सकते लेकिन अगर कोई आके बताए तो सुन तो सकते हैं उसमें मैंने हम अवॉइड करते हैं सुनना फिर हम इसका एक कारण है क्योंकि हमारे लिए संत बनने के बाद जैसे संत बनने के बाद हमारा नाम भी तब्दील हो जाता है जब हम पहले पूर्वाश्रम में थे शिकागो में तो हमारा नाम अलग था और दीक्षा लेने के बाद हमारा नाम अलग हो जाता है अब हमारा पूरा नाम है अखंड वृत्ति साधु अखंड वृत्तिदास तो पहले हमारा नाम अलग था अब हमारा नाम अलग हो गया है तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि शरीर के साथ जितने भी रिश्ते होते हैं जितने भी लोग हमारे बिरादरी में होते हैं उन सभी का हम त्याग करते हैं और इसका कारण ये है इसका सबब यह है क्योंकि अब हमारे लिए वसुदेव कुटुम्बकम की भावना हो गई तो ग्रंथों में ये लिखा है कि यदि आपको एक जगह पर अटैचमेंट होगा तो दूसरी जगह पर डिटैचमेंट हो जाएगा तो मान लीजिए कि मुझे मेरी पूर्वाश्रम की जो माता जी होगी उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट होगा तो मैं किसी दूसरे इंसान को देखूंगा तो मुझे इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होगा तो हमारे लिए अब पूरा विश्व हमारी फैमिली हो चुकी है इसलिए ये नियम बताया गया है क्योंकि मैं आपको एक अंदरूनी बात बताता हूँ ज़्यादा लोग ये बात नहीं बताएंगे लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि कई संत लोग ऐसा होता है कभी कभार कि उनके रिलेटिव्स के साथ कभी कभार बात कर लेते हैं तो होता क्या है कभी कभार मैंने कई संतों को भी ऐसा देखा है कि उनके पूर्वाश्रम के जितने भी रिलेटिव्स हैं सभी ऐसे नहीं होते कभी कभार कोई लोग ऐसे निकलते हैं तो मान लीजिए कि मंदिर में जो डोनेशन आया तो कभी कभार उनके जो पूर्वाश्रम के रिलेटिव होते हैं ना उनके लिए वो इस्तेमाल किया जाता है अब डोनेशन किसी ने दिया वो तो परोपकार के कार्यों के लिए दिया राइट right. वो आपकी निजी रिश्तेदारी लोगों के लिए नहीं दिया आपकी बिरादरी में जो लोग है उनके लिए नहीं दिया पीपल डोनेटेड फॉर द नोबल कॉज सो दैट मस्ट बी चैनलाइज इन ए प्रॉपर मैनर थ्रो तो ऐसी भी प्रसंभावनाएं होती है सभी लोग ऐसा करते ऐसा मेरा दावा नहीं है कभी कभार ऐसी गुंजाइशें होती है इसलिए भगवान ने ये आज्ञा की ग्रंथों में ये लिखा लिखा गया है कि जो सन्यासी होते हैं उनके लिए ये नियम को बखूबी पालन करना है और जिस गांव में हमारी पैदाइश हुई हो उस गांव में भी हम कभी कदम नहीं रख सकते दूसरे संत लोग जा सकते हैं लेकिन हमारी पैदाइश जिस गांव में हुई हो उस गांव में फिर हम कदम नहीं रख सकते तो ये था चौथा नियम और पांचवा और सबसे दुष्कर नियम वो है निर्माणी वर्तमान मने लिविंग ए वेरी हम्बल डाउन टू अर्थ वेरी एल्ट्रोइस्टिक वेरी कंपैशनेट लाइफ मने हमें किसी के साथ ईर्षा नहीं करनी किसी के साथ द्वेष नहीं रखना किसी को मारना नहीं डांटना नहीं गालियां नहीं देना किसी के खराब सक, प्रति खराब संकल्प भी नहीं करना चलिए ये तो हमारी ओर से हुआ लेकिन मान लीजिए कि कोई हमारे साथ ईर्ष्या करता है कोई हमारे साथ द्वेष भाव रखता है कोई हमें मारने का प्रयत्न करता है कोई हमें अपमानित करने का प्रयत्न करता है जैसे कि मान लीजिए हम किसी इवेंट में गए हजारों लोगों के बीच किसी ने हमारा अपमान कर दिया हमें अपमानित कर दिया तो अब हमें उनको कैसा रिएक्शन देना है तो भगवान ने कहा है कि आपको रिएक्शन तो किसी भी किस्म का नहीं देना मैंने आपको सामने उनको अपमानित नहीं करना उन्होंने आपको अपमानित कर दिया रिस्पॉन्स दे रहा है कैसा रिस्पॉन्स दो तरीके का रिस्पॉन्स देता है पहली रिस्पॉन्स में आपको उनको माफ करना है जैसे किसी ने अपमान कर दिया हमारा तो आपको मनोमन उनको माफी देनी है तीसरी दूसरी चीज क्या है माफ़ करने के आगे भी भगवान को ये प्रार्थना करनी है भगवान उनका भला करना उनका श्रेय करना उनका कल्याण करना जैसे मान लीजिए कि हमने भोज हम भोजन ले दे किसी ने जहर मिला दिया फॉर एग्जांपल तो हमें हमें मालूम पड़ा कि उन्होंने जहर मिला दिया तो अब हमें भी उनके भोजन में जहर नहीं मिलाना ये रिएक्शन नहीं देना रिस्पॉन्स देना है दो तरीके का रिस्पॉन्स देना है क्या भगवान उनको माफ कर देना उन्होंने अज्ञात अवस्था में ये जहर मिलाया मिलाया होगा दूसरी चीज़ क्या करनी है भगवान उनको सदमती देना उनको क्षमा देकर उनको अच्छे विचार देना ऐसी भगवान को प्रार्थना करनी है और यही संत की पराकाष्ठा है जैसे एक सूफ़ी सिंध है उनकी ये सच कहानी है तो गांव में रहते थे वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में तो जो गांव का जो राजा था उनकी ये संत की प्रसिद्धि देख नहीं पा रहा था तो उन्होंने एक दिन ऐसा किया कोई तवायफों को उनके आश्रम में भेजा वो संत के आश्रम में भेजा कोई वेशाओं को भेजा प्रॉस्टिट्यूट्स को और संत उस तवायफ के आगे झुके नहीं बहुत ही पवित्र रहे थे फिर भी उस राजा ने उनको पूरे गांव में बदनाम कर दिया डिफेम कर दिया उनको गाँव से बाहर निकाल दिया अब इतना जुर्म किया किसी को बदनाम करना वो सबसे बड़ा पाप है संत निर्दोष थे संत तो बिना कुछ बोले बाहर निकल गए एक दिन ऐसा हुआ उस राजा को ऐसी बीमारी हुई कि उसके जिस्म से बहुत ही बदबू निकल रही थी और ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गया कि कोई भी इसके करीब जाएगा तो उसको वो डिजीज़ हो जाएगी तो अब राजा के परिवार के लोग भी नज़दीक में नहीं जा रहे थे राजा के पुत्र पत्नी चार चार पत्नियाँ थी पाँच पाँच पत्नियाँ कोई करीब में नहीं जा रहा था राजा के जितने भी मंत्री लोग थे रिश्तेदारी में थे बिरादरी में थे उनके दरबार में जितने भी लोग थे कोई उनके निकट नहीं जाने वाला था क्योंकि तो सबको को ये खौफ था हमें भी ये बीमारी हो जाएगी जब उस संत को मालूम पड़ा कि ये राजा को ये बीमारी हुई है तो संत उस राजा के दरबार में आते हैं और अकेले उस राजा की सेवा करते हैं उनको मालूम था कि मुझे भी ये इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है मुझे भी ये बीमारी हो जाएगी फिर भी उस उस राजा की सेवा करते हैं तो उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया राजा ने उनको ऐसा बदनाम किया फिर भी रिएक्शन नहीं दिया माफी दे दी और आगे जाकर उनकी सेवा की और उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया कि मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि आपकी ये बीमारी चली जाएगी तो ये संत की पराकाष्ठा है इफ़ यू एम्ब्रेस्ड दिस इन योर लाइफ यू हैव रीच द पिनेकल एंड द क्रेशेंडो ऑफ मॉन्गकोड ये सबसे बड़ी पराकाष्ठा है इसीलिए ही देखिए ये पांचवा नियम कहा गया है कि भगवान स्वामीनारायण ने भी ये नियम बताया है कि दानम ताड़नम कृतम कुमति भीर जन ही क्षंतव्यम एवं सर्वेशाँ चिंतनीयम हितम च तयी मने कोई आपको गालियाँ दे ताड़न करे मने मारे तो आपको क्या करना है उसको क्षमा कर देना है और कहा है चिंतनीयम हितम च तई मने उसका हित हो ऐसा विचार करना है आप सोचेंगे इसका क्या कारण है तो भगवान ने यह भी कहा है महतिम महतिम पदवीं प्राप्ता पूर्वम ये साधवो जना मान त्यागे नहात्म मन इस दुनिया में इस पूरी कायनात में जितने भी महान संत हुए हैं वो सब कैसे हुए हैं तो कहा गया है मान त्यागे नेज मन मान का त्याग करके ही सभी लोग महान बन पाए अभिमान का त्याग करके और किसके साथ अभिमान का त्याग करना है वो भी कहा कहा गया है विनये न सु जो महात्मा लोग हैं उनके साथ आपको मान त्याग करना है मामूली लोगों के साथ आपकी प्रेस्टिज रखनी है ओके okay. लेकिन जो महान लोग जो आपसे बड़े हैं उनके साथ कभी भी मान नहीं रखना इसलिए ये पांचवा नियम है देखिए ये किसी ने बखूबी बताया है कि जैसे कोई कहता है ना कि नफस नफस में बिखरना आ, बुलंदी है तो उसमें यह भी कहा गया है कि बुलंदियों पर पहुंचना मुश्किल नहीं है लेकिन बुलंदियों पर ठहरना मुश्किल होता है तो यह जो नियम है पांचवा नियम निर्माणी वर्तमान वो बुलंदियों प्राप्त करने के बाद माने संत लोग तपश्चर्या करेंगे तो उनके अंदर यह साधना और वो सब तो आएगी ही तपश्चर्या का बल आएगा तो वो बुलंदी को टिकाने के लिए यह नियम है कहा गया है कि वो बुलंदी किस काम की जनाब इंसान चढ़ जाए लेकिन इंसानियत गिर जाए <laughs> वो बुलंदी किस काम की जनाब इंसान चढ़े और इंसानियत गिर जाए तो ऐसे ही कहा गया है कि वो बुलंदी किस काम की जनाब संत प्रसिद्ध हो जाए और साधुता पीछे रह जाए तो हमें ऐसा नहीं करना कि हम प्रसिद्ध हो जाए कि हमारी जो साधुता है वो पीछे रह जाए बेशक बुलंदियों पर यकीन करते हैं हम लेकिन पाव के नीचे जमीन भी रखते हैं हम ओके okay. तो ये संतों का जीवन है मैंने संतों का इत इतना सरल और सहज उनका जीवन होना चाहिए तो इसलिए ये पांच नियमों हमारे जीवन तकसीम किए हुए पहला जैसे बताया वो ब्रह्मचर्य का दूसरा निस्वादी वर्तमान माने स्वाद से परहेज रहना है तीसरा हो गया निर्लोभ वर्तमान माने पैसे और धन से दूर रहना है चौथा हो गया निस्नेही वर्तमान रिश्तेदारों से दूर रहना है और पाँचवा और सबसे कठिन मान से दूर रहना है अभिमान से दूर रहना है Lovely. सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड वन लास्ट क्वेश्चन आज इतना ज़्यादा स्ट्रेस लोगों के जीवन में है जो आपने कहा मेटेरियलिस्टिक पोजीशंस आज बहुत लोग कोई पद के पीछे भाग रहा है कोई अचीवमेंट्स गाड़ियों के पीछे भाग रहा है तो ऐसी फास्ट पेस्ड लाइफ में जहाँ पे हर व्यक्ति कुछ पाने की चाहत में आज खुद की हेल्थ को खराब कर रहा है स्ट्रेस ले रहा है मेंटल हेल्थ खराब हो रही है आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे वो क्या कर सकते हैं आ, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए स्ट्रेस से बचने के लिए देखिए इसके बहुत उपाय है स्ट्रेस डिप्रेशन ये आजकल ऐसी बीमारियां हो जा हो गई है कि घर पर आप देखेंगे हिंदुस्तान में जो स्ट्रेस के लेवल्स जैसे यूएस में 90 परसेंट ऑफ द पीपल आर स्ट्रेस्ड रिसर्च इंडिकेट्स हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी स्ट्रेस डिप्रेशन की मात्रा बहुत बढ़ रही है इसका अमोक उपाय तो एक ही है भगवान की शरणागति भगवान का नाम स्मरण करना ये एक ऐसा ब्रह्मास्त है जिसके ज़रिए आपका चाहे कितनी भी स्ट्रेस हो कितनी भी डिप्रेशन हो वो सब चला जाएगा देखिए हम इंसानों की एक कमज़ोरी होती है कि हम भगवान पर विश्वास नहीं रख सकते और भगवान की एक कमज़ोरी ये होती है कि वो कभी भी किसी का विश्वासघात नहीं कर सकते मसले और मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा है कामयाबी तकलीफ़ें कामयाबी की है खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा खुदा ने यह वादा नहीं किया कि जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेगी खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं खुशी है तो गम नहीं सुकून है तो दर्द नहीं लेकिन खुदा ने यह वादा ज़रूर किया यदि आप मुझ पर विश्वास रखोगे तो मैं आपको हर कठिनाइयों से बखूबी बाहर निकालू तो सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि भगवान पर विश्वास रखना इसके साथ साथ में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज का जो सोशल मीडिया वाला जो युग है जैसे आप देखेंगे तो अक्सर लोग रिसर्च इंडिकेट्स देर ए नॉर्मल पर्सन स्पेंड्स थ्री टू फोर आवर्स अननेसेसरीली इन इंडिया ऑन सोशल मीडिया अननेसेसरीली आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल व्यक्ति करता क्या है लाल बटन यानी यूट्यूब को देखेगा या ग्रीन बटन व्हाट्सएप को देखेगा पूरा दिन उसी में गवा देता है तो रिसर्च ये भी बताता है कि द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर स्ट्रेस एंड डिप्रेशन इज ओवर एक्सपोजर टू सोशल नेटवर्किंग साइट्स तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये विवेक हमारे अंदर होना चाहिए कि कितना सोशल मीडिया का उपयोग करना है ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोशल मीडिया के शिकार आप बन गए सोशल मीडिया आपका उपयोग करने लगा है तो ये विवेक होना बहुत ही लाजिम है बहुत ही दर आवश्यक है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि सोशल मीडिया का कितना उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह आज ये है कि लोग आज मित्र रखना बंद कर दिया है आप देखेंगे कि सोशल मीडिया की वजह से लोग रूबरू में एक दूसरे को मिलने के लिए पसंद नहीं करते और इसका कारण क्या है आज से पंद्रह साल पहले जब सोशल मीडिया इतना प्रचलित नहीं था तब लोग एक दूसरे के घर पे जाते थे हमें अभी या, या भी याद है जब किसी के घर भी कोई अच्छी चीज़ बनाते थे ना खाने के लिए तो वो एक दूसरे के घर पे देने के लिए जाते थे तो ये प्रेम भाव को प्रोत्साहित करता था आजकल कर लोगों को ये भी मालूम नहीं आता उनके नेबर क्या होते हैं उनके इर्द गिर्द में कौन से लोग रह रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सोशल मीडिया का विवेकपूर्ण उपयोग करना मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का उपयोग बंद कर दीजिए हम संत लोग हम भी इसका भरपूर उपयोग करते हैं लेकिन इसका विवेक होना चाहिए आपको कितना उपयोग करना है यदि ये, ये विवेक नहीं होगा तो युवाओं के अंदर युवा लोगों के अंदर युवा पीढ़ी के अंदर स्ट्रेस और डिप्रेशन के जितने भी मसले हैं और भी बाहर आएंगे इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है भगवान की शरणागति भगवान का नाम स्मरण उसके साथ ये विवेक होना चाहिए कि सोशल मीडिया का कितना उपयोग होना चाहिए सो so, बहुत ही मज़ा आया और काफी इंटरेस्टिंग बातें आपने की कि कितना टफ रास्ता है ये जिस रास्ते पे आ, आप डिसीजन लेते हैं और आई थिंक कुछ समय बाद तो इट बिकम्स अ नॉर्मल लाइफ फॉर यू राइट बट अ वेरी डिफिकल्ट पाथ और आप इतनी सरलता से आ, इसे चल रहे हैं सो बहुत बहुत <laughs> धन्यवाद लोगों को गाइड करने के लिए सो नाउ वी विल हैव रैपिड फायर विथ स्वामी जी डिटेल में तो बहुत अच्छे आंसर स्वामी जी ने दिए नाउ लेट्स गो फॉर द रैपिड फायर स्वामी जी इंस्पायर्स यू भगवान और हमारे गुरु जी वट इज वन सब्जेक्ट यू वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट भगवान हाउ डू यू मेंटेन इनर पीस एंड बैलेंस इन योर डेली लाइफ नाम स्मरण कैन यू शेयर अ मेमोरेबल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जब हमें संत बनना था जैसे हमने आपको बताया तो ये दुविधाएं थी कैसे संत बने कैसे संत ना बने लेकिन भगवान ने जिस तरीके से हमें संत बनाया है

यदि आपके जीवन में भगवान की शरणागति नहीं है तो कदम कदम पर दुखाएंगे वट इंडिया नीड डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी डेमोक्रेसी इज योर फेवरेट बुक और स्पिरिचुअल टेक्स्ट वचनामृतम हाउ डू यू हैंडल डिस्ट्रेक्शन ड्यूरिंग मेडिटेशन प्रे टू गाट एनी अनयूजल प्लेस वेयर यू हैव प्रैक्टिस मेडिटेशन ये मेनी अनयल प्लेसेस इन ऋषिकेश